सीएम से मिले हड़ताली मनरेगा कर्मी, मिला आश्वासन। जी हाँ दोस्तों, यह खबर झारखंड से है, मनरेगा कर्मियों से संबंधित है और ये थोड़ा पॉजिटिव खबर है मनरेगा कर्मियों के लिए। इस खबर में विस्तार से बताता हूँ आगे क्या है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संतोष कुमार है और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल जीआरएस संतोष। उसके पहले आप लोगों से विशेष आग्रह है कि हमारे आप लोग वीडियो देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें। तो देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करें। रविवार को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के लिए मनरेगा संघ के प्रतिनिधि उनके आवास पर प्रातः 10 बजे पहुंचे। शिष्टमंडल में प्रदेश अध्यक्ष जान बागे, संजय प्रमाणिक, बसंत टूडू, मोइनुल लतीफ आज शामिल थे। मुख्यमंत्री के यहाँ से सूचना मिली कि वे आज किसी से नहीं मिलेंगे। उनका कार्यक्रम आज चाईबासा का है और वे वहीं के लिए निकल रहे हैं। फिर भी मनरेगा संघ को मुख्यमंत्री के द्वारा समय दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष जान बागे ने बताया कि मुख्यमंत्री के द्वारा हमारी सभी बातों को गंभीरतापूर्वक सुना गया। संघ के द्वारा प्रमुखता से ग्रेड पे के विषय पर चर्चा की गई। राज्यांश के संबंध में विस्तार से बताया गया। मनरेगा कर्मियों के मानदेय भुगतान एवं विसंगतियों पर चर्चा की गई एवं मनरेगा कर्मियों के लिए राज्यांश की मांग को रखते हुए ग्रेड पे की मांग रखी गई। 52 दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर मनरेगा कर्मी लगे हुए हैं, इसका समाधान जल्द किया जाएगा। मुख्यमंत्री के द्वारा कल विभाग को आदेशित करने की बात कही गई है। तो दोस्तों, यह झारखंड के मनरेगा कर्मियों के लिए थोड़ा पॉजिटिव खबर है और ईश्वर से कामना करते हैं कि यह खबर उनके भविष्य को लेकर अच्छी निकले और उसका असर अन्य राज्यों की सरकारों पर भी पड़े। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह छोटी सी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक बार पुनः कहता हूँ वीडियो लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।